हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो अब तक हम लोग जो पढ़े थे वो कुलोम का नियम पढ़े थे, है ना? क्लास नंबर 13। तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब आ गए क्लास नंबर 14 में। क्लास नंबर 14 में आ गए, 14 में आ गए। तो आज हम पढ़ेंगे कुलोम का नियम ही, लेकिन 14, क्लास 14। तो लिखिएगा क्लास 14, क्लास 14, ठीक है? किस मीडियम के लिए? तो ये जो होगा हिंदी मीडियम के लिए। जो बच्चा इस क्लास को देख रहा है, सबसे पहले क्लास 13 को देख लीजिए, बिना 13 के 14 नहीं समझ में आएगा। क्लास नंबर 13 कुलोम का नियम स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया टाइम के चलते। तो क्लास 14 को तब देखिए जब क्लास 13 को देख लीजिए, ठीक है? तो चैप्टर का नाम तो मालूम ही चल गया अब तक, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 1। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कुलोम का नियम, कुलोम का नियम। कल बता दिए कुलोम एगो का किसका नाम था? साइंटिस्ट का नाम था। ये किसका नाम था? साइंटिस्ट का, जिसका फुल नेम जो था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कुलम। याद करने का जरूरत नहीं है, फ्रांस का था। तो ये कुलम जो था वो बहुत सिंपल बात बोला है, या फिर उसको सब साइंटिस्ट बना दिया। बहुत सिंपल बात बोला। बोला क्या कि अगर दू गो आवेश है तो दू गो आवेश के बीच में बल लगता है। दू गो आवेश के बीच में एक विद्युत बल लगता है, विद्युत बल लगता है, तो बोला था। और ये जो विद्युत बल होगा, ये जो विद्युत बल होगा ना, उस समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल के, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के। तो ये तो हम कल लिखवा चुके थे कुलोम का नियम क्या कहता है। तो पहला हम पॉइंट में लिखवाए थे कि ये दोनों आवेश के बीच में जो विद्युत बल है, दोनों आवेश के बीच में ये जो विद्युत बल है उस समानुपाती हो जाएगा Q1 तथा Q2 के गुणनफल के। समीकरण क्या आया था? एक। अब दूसरा क्या था? दूसरा बात क्या बोला? अगर Q1 आवेश है, Q2 आवेश है और इनके बीच का दूरी है R, तो दोनों आवेश के बीच लगता हुआ जो बल होगा, दोनों आवेशों के बीच लगता हुआ जो बल होगा दोनों आवेश के बीच में, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो विद्युत बल होगा वो इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो बल हो जाएगा, विद्युत बल हो जाएगा 1/2 में, बोलिए, दूरी के वर्ग के। बट्टा में आ गया मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। तो समीकरण 1 आया समीकरण 2। तो हमारे पास टोटल के गो समीकरण? एक समीकरण ये आ एक समीकरण ये। तो टोटल के गो समीकरण? 2 समीकरण। देख लीजिए, अब क्या करना है? समीकरण एगो अलग समीकरण, समीकरण एगो अलग समीकरण, दूगो
माने ई अलग दोनों को आपस में मिला दीजिए। अब हम देने जा रहे हैं कुल्लम जो एक फॉर्मूला दिया था ना, वही फॉर्मूला अब हम देंगे। कैसे देंगे? ये दोनों को आपस में मिला दीजिए। मिला दीजिए मतलब दोनों अलग अलग लिखा हुआ है ना, उसको एके में लिख दीजिए, पन्ना का बचत कीजिए, एके में लिखिए। तो चलिए अब स्टार्ट हुआ आज का क्लास, कल तो ये हम देख ही लिए। चलिए तो अब दोनों को मिलाते हैं। समीकरण एक और दो, समीकरण एक और दो को मिलाने पर, समीकरण एक और दो को मिलाने पर, समीकरण एक और दो को मिला दीजिए। मिला दीजिए मतलब एके में लिख दीजिए, अलग अलग कहा लिख रहे हैं, एके में लिख दीजिए, लिख दे के में लिख दीजिए, लिख देते। चलो कोनो टेंशन ना लेना, लिख देते। तो मिलाने पर तो देखिए जो विद्युत बल हो जाएगा उस समानुपाती होगा Q1 और Q2 के, समानुपाती होगा Q1 Q2 के। मतलब अगर दो आवेश दिया हुआ, अभी पहला वाला समीकरण लिखे हैं एको और दूसरा का इसका समीकरण क्या था कि जो विद्युत बल होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के वर्ग के। तो देखिए ये समानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती दोनों को मिला दिए, चिपका दिए, दोनों को चिपका दिए जी। तो इन दोनों को मिला के एक में लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब सुनिएगा, ये जब चिन्ह जो है समानुपातिक चिन्ह इसको कहते हैं, ये चिन्ह को हटाइएगा तो एगो नियतांक आता है। ये पूरा दुनिया जानता है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड जानता है कि इलेवेंथ और ट्वेल्थ में वीमा में बताए थे जब पढ़ा रहे थे तो, कि अगर समानुपातिक चिन्ह को हटा दीजिएगा, इसको हटा देंगे तो एगो नियतांक आता है। ये पूरा दुनिया नर्सरी का बच्चा से पूछ लीजिए, नर्सरी के बच्चा से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि हटेगा तो एगो नियतांक आता है। तो चलिए एफ बराबर ई हटा तो एक नियतांक आया के, तो ई हटा तो आया बराबर एगो नियतांक के, हटा तो बराबर अनियतांक आया के, ठीक है ना। चलिए के और के ई जैसा के तैसा Q1 Q2 बट्टा में आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका एक बल निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। मतलब कि अगर Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, Q1 आवेश है दिया हुआ है, Q2 आवेश है और दोनों के बीच का दूरी है R, दोनों के बीच का दूरी है R आ ई दिया हुआ है ये तीन गो चीज, तो आप बल निकाल सकते हैं। Q1 का मान रखिए, Q2 का मान रखिए और R का मान रख दीजिए, बल निकल गया। कुछ बच्चा बोला सर ई रख दिए, ठीक दिया हुआ है ई रख दिए, हाँ किताब में दिया हुआ है सर ई रख दिए, दिया हुआ है सर, के मालूम है नहीं है या बल निकल जाएगा, के का भी तो मान होना चाहिए ना। तो के एगो प्रकार का नियतांक है, क्या कहते हैं इसको,
कौन वैज्ञानिक खोजा ये चीज, कुल्लम खोजा है ना, तो इसलिए इसका नाम हो गया कुल्लोम का नियतांक या कुल्लोम नियतांक कहते हैं। तो इसका मान होता है, अब दे रहे हैं, देखिएगा ये फॉर्मूला आ गया, मेन यही पूरा मेन यही एकदम दिमाग में बैठा लीजिए के क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर, इसको बैठा लीजिए पूरा दिमाग में, है ना। तो चलिए, जहां जहां के एक कुल्लोम नियतांक है, नियतांक है हो गया, तथा इसका मानो होता है, टेंशन मत लीजिए हवाइए नहीं, इसका मान भी होता है, तथा इसका मान, तथा इसका मान 9×10⁻¹ इतना होता है, k का मान 9×10⁻¹ तथा इसका मात्रक क्या होगा जी, मान तो ठीक पता चल गया, मात्रक क्या लिखें, बोले निकालिए ना जी मात्रक, सब हम ही बताए, मात्रक नहीं निकाले आता है, जब खाल किए हो गए, के का मात्रक के नहीं आता है, है? बताते हैं, चलिए इसका मात्रक चाहिए ना, इसका मात्रक चाहिए, तो के जिसका चाहिए उसको पहले इधर उधर साइड कर लीजिए, इसको तो पहले साइड कर लीजिए, तो के बराबर क्या हो जाए, यहां से एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों गुना, अब बट्टा में ई आ जाएगा, बट्टा में ई दोनों गुना हो जाएगा, ऊपर में आई फेंका जाएगा इधर, तो के अकेला हो गया, अकेला हो गया, तो क्यू वन क्यू टू, अब के का मान लिखिए, तो सॉरी के का मात्रक लिखिए, तो बल का मात्रक सर न्यूटन, दूरी का मात्रक सर मीटर, मीटर का स्क्वायर, आवेश का मात्रक सर कुल्लम होता है, एगो और आवेश है तो एगो और आवेश कुल्लम, तो इसको कुल्लम स्क्वायर, तो इसका मात्रक निकल के आया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुल्लम स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुल्लम स्क्वायर, जहां के कुल्लम नियतांक है तथा इसका मान 9×10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुल्लम स्क्वायर होता होता है, उतार लीजिए, तो ये आपका मेन फॉर्मूला मिल गया, हो गया फॉर्मूला क्लियर हुआ, क्लियर हो गया फॉर्मूला, के क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर, अब के का एगो और मान होता है, इतना क्लियर दिमाग में घुस गया, दिमाग में घुस गया के का मान कितना होता है, ठीक है ना। अब बल निकालने का सूत्र आपको मालूम चल गया, दुगो आवेश होगा और दूरी दिया रहेगा, बोलेगा विद्युत बल ज्ञात कीजिए तो निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आइए, अब असली खेल स्टार्ट होता है, ये सब तो बच्चा का खेल है, अब असली खेल अब स्टार्ट हुआ है। देखिए, अब मेरे पास आ चुका है f बराबर के क्यू वन क्यू टू बट्टा में r स्क्वायर, अब यहां पे देखिए के का मान सर 9×10⁻¹ बहुत बढ़िया, के का एगो और मान होता है 1/4πε₀, एगो तो इसका मान सर 9×10⁻¹, दूसरा का 1/4πε₀, नाम क्या है इसका, एप्साइलन, 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 जीरो लग गया तो नॉट,
तो एप्साइलन नॉट के बराबर एक वट्टा चार पाई एप्साइलन नॉट, ठीक है। अब ये मेन खेल खेलेगा अभी, अब सब ठीक ठाक चल रहा है लेकिन मेन ये खेल खेल जाएगा अभी, बहुत कंफ्यूज कर देगा आपको। दिमाग एकदम बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, पानी पी के आइए जल्दी, एकदम दिमाग बढ़ाइए, है ना। तो अब आइए, एगो के का मान सर नौ गुना दस के पावर नौ, दूसरका के सर इतना, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, एक बट्टा चार और पाई का मान रखिए 3.14 और एप्साइलन नॉट का भी मान होता है, वो होता है याद करना है 8.85 गुना दस के पावर माइनस 12, ये होता है। जब इस टोटल को कैलकुलेट किए तो आया 9 गुना 10 के पावर 9, ये आया। तो के आप डायरेक्ट 9 गुना 10 के पावर 9 या फिर के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहां से अब हम बल को दूसरा स्टाइल में लिख देंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा में R2। तो ये हो क्या, जहां अब एप्साइलन नॉट का बात करेंगे, ठीक है, इतना उतार लीजिए, ठीक है ना। तो K बोलिए सर, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, और दूसरा का बोलिए सर 9 गुना 10 के पावर में, बोले बहुत बढ़िया जी, दोनों होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे चर्चा किया जाएगा इस एप्साइलन नॉट का। तो ये जो एप्साइलन नॉट है ना, क्या कहते हैं एप्साइलन नॉट, बताते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिएगा ये दूगो आवेश के बीच में दूरी तो आ रही हो, तो सब बच्चा जानता है। अगर दोनों आवेश के, अभी हम बात करेंगे, सुन लीजिए, दोनों आवेश के बीच में कोई माध्यम कौन सा है, सुन लीजिए, माध्यम लकड़ी नहीं है, अभी बात नहीं करेंगे, माध्यम कुछ रख दिया गया, माध्यम इनके बीच में पानी नहीं है। मान लेते हैं अगर गलती से भी इनके बीच में मान लेते हैं कोई माध्यम रख दिया जाए, तो इन दोनों के बीच में बल पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, एफ पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, बहुते पड़ेगा, भयानक पड़ेगा। अगर कोई माध्यम पानी रख दीजिए ना, तो अब बल दोनों नहीं लगा पाएगा उतना जितना लगाना चाहिए। ये सब हवा में अच्छा लगा लेता है, वायु में, हवा में, निर्वात में, एक और टर्म यूज कर रहे हैं, मुक्त आकाश में, ये सब अच्छा बल लगाता है। लेकिन जब माध्यम रख दीजिए, माध्यम, ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच बल लगना कुछ कम हो जाएगा। जैसे आप खुद एक सोचिए, दुगो आदमी, एगो एगो ई आदमी, एगो ई आदमी, दुगो आदमी, दोनों पूरा मारा पीटी कर रहा है, मारा एकदम फेंका गया, ये मारा इसको फेंका गया, ऐसे ना लड़ाई करते हैं, इसको कॉलर पकड़ के ढक्का दिया फेंकाया, इसको कॉलर पकड़ के ढक्का, यो फेंकाया, मतलब दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा है, इस पे लगा रहा है तो इस पे लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा है। लेकिन वही दोनों आदमी को उठा के पटक दिए पानी में, बोले जाओ लड़ाई करो पानी में, माध्यम दे दिए पानी, अब दोनों पानी में डूबा हुआ है, उतना बढ़िया से दम लगा पाएगा पानी में नहीं, बल क्या हो जाएगा, अब बल कम लगा पाएगा, ऐसे मारेगा तो माध्यम है, रुकावट डालेगा ही, रुकावट डालेगा, पानी रुकावट डालेगा कि नहीं, ऐसे हाथ मारी है तो पानी में उतना नहीं ना मूव कर पाएगा, तो बल हो जाता है कम। तो देखिए अब खेल खेलेगा ही माध्यम इनके बीच में, अब यही तो खेल है माध्यम का। तो अभी हम तीन गो माध्यम का बात करेंगे, सुन लीजिए, यहां पे तीन गो माध्यम होगा किताब में, तीनों एक के है अभी के लिए, एक के है अभी के लिए, कूलम के नियम के लिए तीनों एक के चीज है, लिख लीजिए। पहला
मुक्त आकाश अगर कहीं किताब में दिया हुआ है, या फिर बराबर निर्वात बोल दे या फिर वायु बोल दे, इस सब एक के चीज है अभी के लिए। क्या इसका एगो मान दोनों का सेम होता है, लगभग ही दोनों का सेम होता है, इसलिए दोनों को एक ही कह दिए, तो हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। सुन लीजिए, मुक्ताकाश, निर्वात, वायु, अगर ये तीनों माध्यम दिया हुआ रहेगा तब बात करेंगे, और जब इन तीनों को छोड़ के कोई माध्यम, पानी, लकड़ी, प्लास्टिक, कुछ दे दिया, तो उसका बाद में बात करेंगे। अभी हम बस यही तीनों का बात करना चाहते हैं। तो अगर किताब में बोल देगा दो आवेशों के बीच जो माध्यम है, दो आवेश जो माध्यम में रखा गया है, मुक्त आकाश है, निर्वात है या वायु है, तो यहां पे अभी तीनों का माध्यम या तो ये तीनों बराबर है, एक ही चीज है अभी के लिए बता दे, एक ही चीज है। तो अगर ये तीनों माध्यम दिया रहेगा तो आप बल का सूत्र लिख सकते एफ बराबर एक बट्टा चार पाई एप्साइलन नॉट लिखिएगा क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर। लेकिन अगर गलती से इन तीनों को छोड़ के कुछ अलग माध्यम दे दे, पानी दे दे, बाप रे, हम नहीं बात करेंगे। ये तीनों दिया है तब ही फॉर्मूला लिखिएगा, कुछ दूसरा दे दिया ना, कुछ दूसरा माध्यम, बात तो मत कीजिएगा, छोड़ दीजिए, भाग जाइए दौड़ के, नहीं बनाइए न्यूमेरिकल, उसके लिए बात करेंगे नेक्स्ट डे। अभी के लिए हमको इतना देखना है कि अगर माध्यम ये तीनों है तो बल जो है इतना हो जाएगा। तो यहां पे बल कितना हो गया, एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होता है, बार बार एक चीज बोले, 9 × 10^9। अब इसका नाम जो है ये एप्सिलॉन नॉट है ना, तो इसका नाम होता है, सुन लीजिए, इसको क्या कहा जाता है, बड़ी भारी नाम है इसका, क्योंकि माध्यम क्या है, या तो मुक्त आकाश है या निर्वात है या वायु है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया जहां एप्साइलन नॉट को कह देते हैं मुक्त आकाश की, बहुत भारी नाम है जी, बहुत भारी नाम, डिफिकल्ट, जहां एप्साइलन नॉट मुक्त आकाश के परावैधुतता है, ठीक है, जहां एप्साइलन नॉट को क्या कहते हैं, मुक्त आकाश की परावैधुतता, जहां इस एप्साइलन नॉट को मुक्त आकाश की परावैधुतता, क्योंकि माध्यम क्या है इनके बीच, मुक्त आकाश है, या फिर क्या कह सकते थे, निर्वात की परावैधुतता, निर्वात भी कह सकते हैं, परावैधुतता मतलब रुकावट होता है, ठीक है ना। तो यहां पे उतना हम गहराई में नहीं जाएंगे, बहुत गहराई में हो सकता है कंफ्यूज कर जाए आप ज्यादा, तो इसीलिए अभी इतना याद रख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है मुक्त आकाश की परावैधुतता, मुक्त आकाश की परावैधुतता, मन करे तो निर्वात की परावैधुतता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उतारिए, ये फॉर्मूला उतार लिए थे ना, एफ बराबर एक बट्टा चार पाई एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर, उतार लिए, और उसके नीचे लिखे जहां एप्साइलन नॉट मुक्त आकाश की परावैधुतता है, तथा यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, तथा इसका मान, सुन लीजिए, तथा इसका मान याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, तथा इसका मान बहुत इंपॉर्टेंट 8.85 × 10^-12 किसका, इसका, इसका मान होता है एप्साइलन नॉट का 8.85 × 10^-12, और इसका मात्रक जो है, मात्रक किसका, मात्रक चाहिए आपको, इसका चाहिए ना, इसका,
ये फॉर्मूला मिला। तो अभी माध्यम यही तीनों है तब हम बात कर रहे हैं, बाद में लकड़ी पानी प्लास्टिक कुछ होगा तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमको यही ज्यादा हम कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो एप्साइलन और को क्या कहते हैं सर, मुक्त आकाश की परावैद्युतता। मान क्या होता है सर, 8.85 गुना 10^-12 मात्रक बताइए, नहीं कि हम बता रहे हैं। मात्रक जो हो जाएगा इसका दो गो मात्रक होगा बताएंगे, तो एप्साइलन नॉट बराबर 1/4 πf Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर। देख लीजिए थोड़ा सा भी मैथ आता है, नर्सरी में सीखे थे थोड़ा सा मैथ, तो इसको हम इधर लेके आए और बाकी इधर। अब इसका मात्रक बोलिए तो क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 का मात्रक सर कुल्लम, इसका भी कुल्लम, तो कुल्लम स्क्वायर, आवेश का मात्रक कुल्लम स्क्वायर, आवेश का कुल्लम, आई आवेश का कुल्लम, तो कुल्लम इंटू कुल्लम, कुल्लम स्क्वायर, 4π का कोई मात्रक नहीं, बल का मात्रक सर न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन स्क्वायर लगा है तो सर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाए कुल्लम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कुल्लम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर एफ एम इनवर्स भी होता है, कहीं कि कहीं किताब में ऐसे देखिएगा एफ एम, या तो ये बोल लीजिए या तो ये इसका मात्रक। तो आपसे पूछेगा मुक्त आकाश की परावैद्युतता का मात्रक, तो या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा या तो ये ऑप्शन दिया रहेगा, कुल्लम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर एफ एम इनवर्स, आप टिक मार दीजिए, ठीक है ना, ये आपका मात्रक हो गया। तो अगला जो है इसमें फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, तो एफ बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 में R स्क्वायर। तो चलिए ये तो इसका मान बोलिए सर 9×10^9 एप्साइलन नॉट क्या है सर मुक्त आकाश की परावैद्युतता है, हमारे इसका मान बोलिए 8.85×10^-12 मात्रक बोलिए कुल्लम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर या एफ एम इनवर्स, बहुत बढ़िया। कहीं कहीं दो नंबर में पूछा था, एगो मात्रक पूछ दिया तो ये तो लिख दीजिएगा मात्रक ना, बोलिए घबराइएगा घबराइएगा जी, इवन लिख नहीं दीजिएगा मात्रक। अगला जो है आपसे पूछेगा इसका विमा क्या होता है, तो इसका विमा जो हो जाएगा, इसका विमा जो हो जाएगा एप्साइलन नॉट का, तो निकालिए विमा एप्साइलन नॉट 1/4 πf Q1 Q2 με R², ठीक है। तो यहां से इसका विमा निकाल रहे हैं, आवेश का विमा हम बताए थे ना A × T, इसका विमा A × T, आई दूसर का आवेश का विमा A × T ये होगा, 4π एक नियतांक है इसका विमा तो नहीं होगा, बल का विमा क्या होता है जी, बल का विमा क्या होता है, तो m1 l1 t-2, और दूरी का विमा क्या होता है, दूरी ना है दो आवेशों के बीच का दूरी को हम r दिखा रहे हैं, दो आवेश के बीच का दूरी को क्या दिखा रहे हैं r दिखा रहे हैं, तो दूरी का विमा क्या होता है सर, दूरी का विमा l स्क्वायर होता है, दूरी का l स्क्वायर है, तो इसको इसको कैलकुलेट कीजिए, इधर कर लेते हैं तो A²t² हो जाएगा ना, A²t² और नीचे में हो जाएगा m1 l³t-2 हो गया। अब जब ये ऊपर गया तो हो जाएगा m, नीचे में 1 है तो ऊपर गया तो -1, एल नीचे में 3 है ऊपर गया तो -3, आ ए स्क्वायर तो ऊपरे में है तो ए स्क्वायर, आ टी स्क्वायर आई टी के पावर -2 है ऊपर में जाएगा तो और 2 आ जाएगा ना, तो टी के पावर 2 पहले से था ये गो और आ गया तो टी के पावर 4, तो इसका विमा हो जाएगा, लिख लेते हैं डायरेक्ट इसका विमा क्या, तो पॉइंट में एप्साइलन नॉट मतलब मुक्त आकाश की परावैद्युतता का विमा विमा
एम माइनस वन एल माइनस थ्री ए के पावर दो और टी के पावर चार होता है, होता होता है, ठीक है। तो ये है इसका बीमा। तो आज हम बस इतना ही सीखें कि अगर दू गो आवेश है Q1 और Q2 आ इनके बीच में दूरी है R, आ इनके बीच में या तो माध्यम है मुक्त आकाश, या तो वायु है, या फिर निर्वात है। अगर ये तीनों होगा तो हम F बराबर लिखेंगे फॉर्मूला, अगर इनके बीच अगर आपको बल निकालना है तो हो जाएगा एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन नॉट, आ इसी को आप के कह सकते हैं Q1 Q2 बट्टा में R स्क्वायर, जहां पे इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9। ये तभी लिखिएगा जब इनके बीच माध्यम तीन गो होगा। लिख लिया ना तीन गो, कौन कौन सा आवेशों के बीच माध्यम होगा तीन गो, कौन कौन सा, मुक्त आकाश, निर्वात या फिर बोलिए वायु, तब आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा यही फॉर्मूला आया कूलम्ब के नियम में, ठीक है। इसको हम के से भी दिखा सकते हैं, इतना को ये तभी लिख सकते हैं जब यहां पे तीन माध्यम है। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, मुक्त आकाश की परावैद्युतता। इसका मान कितना होता है सर, 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक सर कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या एफएम एफएम माइनस वन या एफएम इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका बीमा कितना होता है, तो इतना, तो कुछ कुछ बात। तो आज हम क्या सीखे, एक ये फॉर्मूला, इसका नाम क्या है, इसका मान क्या है, इसका बीमा क्या है, इसका मात्रक क्या है, पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब ये आया हमको कूलम्ब के नियम से, ये एक सूत्र मिला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर। तो यही हमको फाइनल सूत्र मिल गया है ना। अब देखिए जब आप ये फॉर्मूला मिल ही गया तो मेरे पास एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन है, उसको देखा जाए, देखिए बोला है किसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर वन, किसी गोले पर, हम हिंट दे रहे हैं और नीचे में आंसर कमेंट कीजिएगा सब कोई। फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है, किसी गोले, कोई गोला है, एक गोला ये है, एक गोला ये है, ठीक है। इस गोले पर आवेश है 2 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम, मतलब Q1 का मान दिया है इतना, और दूसरा गोले पर जो आवेश है वो है 3 गुना, इस पे जो गोले पे आवेश दिया हुआ है 3 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम, मतलब क्या कि Q2 का मान भी मिल गया। इनके बीच का दूरी जो दिया हुआ है R बराबर 30 सेंटीमीटर, बेवकूफ बना दिया जी, सेंटीमीटर देख के बेवकूफ बना रहा है, बोलिए क्या कीजिएगा, इसको मीटर में बदलेंगे सर, ठीक है। अब बोला है ये जो सब है किस माध्यम में रखा गया है, तो ये जो माध्यम रखा गया है निर्वात में रखा गया है, माध्यम जरूर बोलेगा, अगर गलती से किसी क्वेश्चन में माध्यम नहीं बोलता है तो क्लियर समझ जाइएगा इनके बीच में माध्यम या तो निर्वात, या तो मुक्त आकाश, या तो वायु। अगर ये तीनों माध्यम क्या दिया हुआ है, निर्वात, तो जब निर्वात दे ये दिया है तो बताइए कौन सा फॉर्मूला, एफ बराबर के, या एक बट्टा चार पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू बट्टा में आर स्क्वायर। क्यू वन का मान मालूम, क्यू टू क्यू वन का मान मालूम, क्यू टू का मान मालूम, दूरी मालूम, के का मान मालूम, एफ नहीं निकलेगा, तो इसको निकाल के आंसर में
कमेंट कीजिए, जो बल आएगा उसका मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका मात्रक में जो आंसर में आ जाएगा, जो भी आएगा न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में पहला नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा है, ये सब डेटा दिया हुआ है, ये सब जानकारी दिया हुआ है और आपसे पूछा है विद्युत बल इन दोनों के बीच क्या होगा, मतलब विद्युत बल ज्ञात करें, विद्युत बल ज्ञात करें, तो बना लीजिएगा इसको, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन बना के नीचे में आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि जब कोई दूसरा तीसरा माध्यम होगा तब का कहानी क्या होगा, उस सब बात करेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।